हे गाइस, आई एम सुमन। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए, डेली के जैसा आज भी रिक्वेस्ट वीडियो लेके आ गई हूँ आपके लिए। तो चलिए, इस वीडियो को देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा एंजॉय कीजिए, और हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कमेंट करना नहीं भूलिए। तो चलिए, आज मैं दिखाने वाली हूँ हेयर वॉश करके, और ये रहा डव शैम्पू। तो मैं आपको यही सलाह दूंगी कि आप लोग भी डव शैम्पू से ही बाल को धोए, बाल इससे बहुत मजबूत रहते हैं। और मैं शुरू से ही डव शैम्पू का ही इस्तेमाल करती हूँ। डव शैम्पू बहुत ही अच्छा होता है बालों के लिए। तो चलिए, मैं दिखाती हूँ आपको। और मैं किसी शैम्पू से बाल नहीं धोती हूँ, बस डव से ही धोती हूँ शुरू से लेके आज तक। तो चलिए, मैं दिखाती हूँ, आप लोग इंजॉय कीजिए हमारे वीडियो को, और अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा फ्रेंड। हेयर वॉश के साथ साथ मैं हेयर पुलिंग भी दिखाई हूँ, क्योंकि वो रिक्वेस्ट है। तो पहले मैं बाल को अच्छा से पानी से भिगो लूँगी, उसके बाद मैं शैम्पू का यूज़ करती हूँ। और हेयर वॉश करने के बाद थोड़ा सा मैं डंक भी की हूँ, और मैं आप लोग को भी ये प्रीफर करूँगी कि आप लोग हेयर वॉश करके डंक किया कीजिए, ताकि आपके बाल भी लंबे हो जाए मेरे जैसे। तो चलिए, देखिए, अब मैं ओरिजिनल आवाज़ को छोड़ देती हूँ, और आप लोग देखिए और वीडियो को एंजॉय कीजिए।
तो चलिए लास्ट में मैं अब डंक करके दिखाऊंगी आपको, और हेयर वॉश करने के बाद मैं सबको यही सजेशन दूंगी कि आप लोग प्लीज़ अपने हेयर को डंक कीजिए ताकि आपके भी बाल मेरे जैसे लंबे हो जाए और घने हो जाए। तो चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं फ्रेंड्स। कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई दीजिएगा। अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा, और लाइक करना भूल जाते हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे आपके लिए मैं वीडियो बनाती रहूं। तो चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं, और इस गर्मी में अपना ध्यान रखिएगा, रिक्वेस्ट करते रहिएगा। बाय बाय फ्रेंड। और आप लोग हमारा रेसिपी वाला वीडियो नहीं देखते हैं, प्लीज़ देखा कीजिए आप लोग। तो चलिए अब मैं एक बॉन बना लेती हूँ, और फिर मिलते हैं एक नई रिक्वेस्ट नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, एंड टेक केयर ऑल ऑफ़ यू। बाय बाय बाय।